विंग स्पैन एंड बॉडी प्रोपोर्शन। हाई, आई एम डॉक्टर हृदेश, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट इन हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि विंग स्पैन कितना होना चाहिए या फिर बॉडी प्रोपोर्शन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम लेग की सर्जरी करवाते हैं तो फर्स्ट उसमें टिबिया लेंथनिंग करें या फिर फीमर लेंथनिंग करें, और जो क्रॉस लेंथनिंग कर रहे हैं उनका मोस्टली क्वेश्चन होता है कि सर हमें आर्म की लेंथनिंग तो नहीं करानी पड़ेगी, या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप हमारे लेग की लेंथ तो बढ़ जाएगी सर्जरी से, बट आर्म का क्या होगा, विंग स्पैन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑड दिखेगा या फिर अजीब दिखेंगे लेंथनिंग के बाद में। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं विंग स्पैन की। विंग स्पैन जो होता है हमारा मोस्टली आपके बॉडी प्रोपोर्शन के बराबर, जितने आपकी हाइट है, सपोज आपकी हाइट 5'5" है तो मोस्टली लोगों का विंग स्पैन 5'5" ही होता है, और ये पर्सन टू पर्सन भी कुछ लोगों का वेरी भी करता है। जैसे कि मेरा विंग स्पैन 182 है और मेरी हाइट 172 है, और कुछ लोगों का कुछ कम भी होता है, तो पर्सन टू पर्सन एवरी इंडिविजुअल वेरी करता है। बट जो हमारे हैंड का यूज़ है कि हम स्टैंडिंग में अगर हमारे हाथ पॉकेट में आ रहे हैं और हम प्रॉपरली अपने बालों को कॉम कर पा रहे हैं, जो डेली नीड की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हमें आर्म लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब आपके लेग की लेंथ बढ़ती है तो आपका टॉर्सो का साइज़ इक्वल ही रहता है, और जो आपकी वेस्ट है वो भी वहीं रहेगी, तो आपको आर्म लेंथनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके आर्म वैसे ही शॉर्ट है, मींस जो बॉडी प्रोपोर्शन या फिर आपके हैंड जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत होती है, आप पॉकेट में हाथ नहीं डाल पा रहे, अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कॉप तक आपके हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहे, देन डेफिनेटली आपको आर्म लेंथनिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका हैंड आपके पॉकेट में आ रहे हैं, आप अपना नॉर्मल रूटीन कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको आर्म लेंथनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे बॉडी प्रोपोर्शन। बॉडी प्रोपोर्शन भी वेरी करता है एवरी इंडिविजुअल। अगर हम गोल्डन रेशो की बात करें जो कि थियोटिकल है, इजिकल टू 1.618, जो कि एक गोल्डन रेशो है, बट डिपेंड अभी हमने लोगों का मेजर किया है जो हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, सेम हाइट के लोगों में भी प्रोपोर्शन अलग होता है, किसी का टॉर्सो बड़ा है, किसी का लेग छोटा है, किसी का लेग बड़ा है, लोअर बॉडी बड़ी है, किसी का टॉर्सो छोटा है, तो ये डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल। जबकि अगर तुम्हारी हाइट, किसी की भी हाइट कोई मेजर करता है, आपको कोई देख रहा है, तो आपकी ओवरऑल हाइट देखता है, ना कि आपकी लेग की लेंथ कितनी है और आपका टॉर्सो कितना बड़ा है, आपका लेग कितना बड़ा है। तो यहीं पे बात करेंगे हम। कुछ लोग मुझसे कि सर हमें टिबिया कराएं या फीमर कराएं। टिबिया फीमर का रेशो भी 1:1 है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि सर आप टिबिया प्रीफर करते हो, टिबिया लेंथनिंग करो, बट ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप फीमर लेंथनिंग ज्यादा करते हैं, आपकी फीमर ज्यादा बड़ी है टिबिया से, तो उसमें आपको स्क्वाटिंग में प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली आपके लीवर, आपकी आर्म डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका फीमर बड़ा है तो आपको डीप स्क्वाटिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, और जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको ज्यादा लीन फॉरवर्ड होना पड़ेगा अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और डेफिनेटली इसमें नी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है अगर आपका फीमर आपकी टिबिया से बड़ा है। और अगर आपका टिबिया बहुत ज्यादा बड़ा है फीमर से, उसमें आपको स्क्वाटिंग ईजी हो जाती है, अपराइट पोजिशन होती है, बट स्ट्रेस इसमें भी आता है, बट डेफिनेटली जितना लीवर बड़ा होगा उसमें टॉर्क ज्यादा आएगा, मींस आपके ज्वाइंट पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा, क्योंकि रोटेशन भी आप कर सकते हैं और ऊपर उठेंगे तो नी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है अगर आपका फीमर बड़ा है। तो यहाँ पे बात करेंगे कौन सा बोन करना चाहिए लेंथन। सी विद इन आप रेंज में करते हैं, रेंज मींस जैसे कि बताते हैं थियोरेटिकली भी और वैसे भी कि आपकी जो बोन है प्री एग्जिस्टिंग बोन का 15-20% आप लेंथन कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी एडजस्ट करती है, आपकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स एडजस्ट करते हैं उसको, आप टिबिया में करें या फीमर में करें। अगर आप उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा चले जाते हैं, सपोज आजकल लोग बोलते हैं कि हम एक सेगमेंट में 10 सेंटीमीटर करेंगे, ये हमारी वो है, हमें करना है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके ज्वाइंट्स पे स्ट्रेस आएगा, अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, और मे बी आगे आपकी बॉडी प्रोपोर्शन जो पूछते हैं वो बहुत अजीब दिखे। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो बॉडी प्रोपोर्शन हर किसी का डिफरेंट है। अगर आप बहुत सारे मॉडल्स, एक्टर्स
क्रिकेटर्स देखेंगे तो उनके लेग्स लंबे होते हैं, टॉर्सो छोटा होता है, बट दे लुक बेटर। जितना आपका लोअर बड़ा है, टॉर्सो थोड़ा छोटा है, तो यू लुक स्मार्ट। अगर आपका टॉर्सो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेग छोटे हैं, तो डेफिनेटली इट लुक्स ऑड। एंड इसका रेशो डेफिनेटली सबका अलग अलग होता है, और टिबिया और फीमर में अगर आप सेफ लिमिट में जाते हैं देन डेफिनेटली ठीक है। और विंग स्पेंट अगर आप प्रॉपर अपने हाथों का यूज कर पा रहे हैं, आपके हैंड आपके पॉकेट में जा रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको हैंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर विंग स्पेंड और प्रोपोर्शन के बारे में। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपना क्वारी डाल सकते हैं। थैंक यू।